हाई गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और मैं भी बहुत मिस कर रही थी यूट्यूब को, पर इतना सारा काम हो जाता है बच्चे को लेकर के कि मेरे पास टाइम नहीं निकल पाता है। तो अभी 3 महीने की हो गई बेबी, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जा रहा है। 3 महीने पहले मेरा एक बेबी शावर हुआ था जिसमें मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हुए थे वीडियोस के, सोचा था कि मैं उसको एक अच्छा सा मेमोरी जैसा वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फॉर सम रीजन मैं उसको एडिट नहीं कर पाई और आफ्टर 10 डेज बाद मेरी डिलीवरी हो गई। तो उन सारी वीडियोस क्लिप्स और वो सारी मेमोरीज को गैदर करके मैंने ये एक बहुत अच्छी सी मेमोरी बनाई है जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मेहंदी की बात करूँ तो आपने पहले वीडियो में देखा था कि मेरी एक फ्रेंड ने जो प्रोफेशनली मेहंदी लगाती है उसने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है और जैसा मैं चाहती थी वैसा ही उसने मेहंदी लगाया था। तो आप उसका भी मैं इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो अगर आप मेरे शहर में रहते हो, और डेफिनेटली उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कि मेरे फ्रेंड्स ने पॉटलॉक किया था और एक सरप्राइज पॉटलॉक था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए इतना सब कुछ किए हैं। और मतलब वो लोग वहाँ पे आए हैं तो उनके फेस में ही इतनी खुशी दिख रही थी कि हाँ फाइनली सेकेंड बेबी आ रहा है, और या बहुत अच्छी मेमोरीज थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में और धीरे धीरे मैं बताती हूँ कि ये कैसे कैसे मैंने इसके डेकोरेशन, मेनली मैंने डेकोरेशन किया है अपने बेबी शावर में, तो वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको अगर आप प्लान कर रहे हो किसी का सरप्राइज बेबी शावर और कोई इंडियन फेस्टिवल जिसमें आप इस टाइप के डेकोरेशन आप मिलेगा। तो ये बहुत ही इजी डेकोरेशन है जिसमें आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, और मैंने यही फोकस किया था कि ऐसा डेकोरेशन हो जो कि फोटोज, मेनली फोटोज में देखे। तो या चलिए शुरू करते हैं। ये जो फ्रेम है, फ्रेम बनाने के लिए जो स्टिक्स है वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और इस टाइप का मैंने फ्रेम बनाया। और यहाँ पे जो कलर्ड पेपर आप देख रहे हो वो अल्टरनेट में मैंने ऐसे स्टिक कर दिया, और जो गैप्स थे वहाँ पे मैंने दो दो करके गेंदे के फूल जो है वो लगा दिए बेल के साथ में। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और हमने यहाँ पे गार्डन में किया था ओपन एरिया में, क्योंकि कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा जब नॉर्मल हो गया सिचुएशन तब मैंने, हम लोगों ने बाहर डिसाइड किया। और ये यहाँ पे ये मैंने सेंटर पीस बनाए हैं जो कि मुझे यूज़ में भी नहीं आए, बट ये था कि अच्छा लग रहा था। और इसमें आप कटलरी वगैरह रख सकते हो, तो हर टेबल पे ये सेंटर पीस मैंने रखा था। ये है और ये है रिटर्न गिफ्ट जो कि इस टाइप के बैग्स हैं। बाय द वे मेरी मेहंदी कितनी अच्छी बनी। तो यहाँ पे मम्मी रिटर्न गिफ्ट रेडी कर रही हैं, बहुत काम है। गिफ्ट रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। ये बास्केट है, बास्केट है, ये इसमें ये है। तो ये देखिए कुछ रेडी कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं बैकड्रॉप के लिए। तो बैकड्रॉप में मेरे को ये येलो कलर, पिंक और वाइट में बनाना था। मैंने यहाँ पे बैकड्रॉप जो है वो 3 फ्रेम्स यूज़ किए थे, ताकि मुझे बड़ा बैकड्रॉप चाहिए था ताकि बहुत सारे लोग हैं वो एक बैकड्रॉप के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मम्मी मेरी कर्टेंस रेडी कर रही हैं, और जो कि बहुत हेल्प मिल रहा है वो इतनी फास्ट कर रही हैं। तो जनरली हम लोगों से हो नहीं पाता है, तो मम्मी लोग है ना इन सब चीजों में बड़ी फास्ट रहती हैं। मम्मी का बहुत हेल्प हो रहा है यहाँ पे। पिंक वाला हो गया, येलो वाला बचा है। बोलेगा कैसे कैसे हो रहा है। ये एडी कुछ लेकर आई है। मैंने एक नोटबुक बनाई।
नोटबुक बनाया जो आप लिख सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी ने रेडी किया है ये पैकेट, जिसमें सब चांदी के बर्तन और कपड़े हैं और बेबी के कपड़े, और वो है मेरी सास का। अब आगे बढ़ते हैं और आर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्च जो है वो हर डेकोरेशन में अपने मोस्टली मेरे बर्थडे डेकोरेशन एंड ऑल इसमें देखा होगा कि मैं किस टाइप से आर्च बनाती हूँ। तो ये आर्च वैसे ही बना रहे हैं, और आपको पता है कि उस टाइम हमने जेंडर रिवील नहीं किया था, तो हमने इस टाइप के बलून्स लिए थे जो पिंक एंड ब्लू में थे, और फिर उसके बाद हमने आर्च बनाया। और ये है रिटर्न गिफ्ट्स जो कि बच्चों को हम देंगे, छोटी छोटी से कैंडीज हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए था। तो जो ये फोटोज़ हैं, फोटोज़ आप देख रहे हो कि इतने प्यारे प्यारे फोटोज़ इसने खींचे हैं। ये भी मेरी एक फ्रेंड है जो कि वो भी प्रोफेशनली फोटोग्राफी करती है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो, उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ मेरे फोटोज़ है जो फूड आइटम्स है सब कुछ, जैसे कि मैंने पहले बताया था वो पॉटलॉक था, सरप्राइज था, तो सबको एक एक आइटम दे दिया था। तो सबने मेरा जो फेवरेट है वो सब कुछ बना करके लेकर आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरा बेबी शावर इतना अच्छा सेलिब्रेट किया। यहाँ बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने, गेम्स भी डिसाइड किया हुआ था, और बहुत फन था, बहुत मज़ा आया, मतलब फुल ऑन मस्ती मज़ा था। पर एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इतना विंड था कि डेकोरेशन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था वहाँ पे, इतना हवा चल रहा था कि वो आर्च गिर रहा था, कभी बैकड्रॉप गिर रहे थे, तो कैसे तैसे करके वो स्टेबल रहा, एटलीस्ट हमारे फोटो तक तो वो एकदम अच्छे से आ सके। तो या हम ये छोटा सा डेकोरेशन मैंने किया था जो कि इंडियन फेस्टिवल के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये था मेरा एक छोटा सा मेमोरी जो कि मैंने शेयर किया, और ये ऐसी मेमोरी है कि इसको मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और इतना अच्छा लगा, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाऊंगी, मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ, पर या मैं फाइनली अभी बैक टू बैक कुछ वीडियोस एडिट करती हैं और आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। जाती